हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। बच्चों, बिहार में एक कॉलेज है जो इस बार से नया आ रहा है। 2024 के सेशन से एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं हिमालया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो पालीगंज पटना में है। इसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसका फी स्ट्रक्चर कितना है, उसके बाद इसके पास फैसिलिटी जो है वो क्या क्या है, कॉलेजेस 2024 के सेशन से जो है एमबीबीएस कोर्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसके साथ में इसका कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। जो भी बच्चे नए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से कतराते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये वीडियो ओवरऑल जो है हिमालया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रिव्यू के ऊपर होने वाला है। बच्चों, ये कॉलेज जो है 2024 के सेशन से इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है, इसको एफिलिएशन जो है मान्यता मिल गई है। जैसे ही प्रोस्पेक्टस में काउंसलिंग के लिए प्रोस्पेक्टस जो है वो BCEC का आएगा, UG मैक का आएगा, उसमें इस कॉलेज का भी नाम रहने वाला है। अगर इस कॉलेज की अगर हम बात करें, इसके बारे में कॉलेज के बारे में जानें, तो इस कॉलेज के वेबसाइट पर जो है अब इसके हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया गया है। इस कॉलेज या हॉस्पिटल का नाम है HMCH हिमालया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। 24x7 सर्विसेज जो है वो यहाँ पर रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ब्लड बैंक, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह सभी चीज़ों की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिमालय के पास नर्सिंग कॉलेज जो है वो बहुत पहले से हैं, डिप्लोमा के भी बहुत सारे कोर्सेज का कॉलेज बहुत पहले से है, और BAMS के प्राइवेट कॉलेजेस बहुत पहले से चले आ रहे हैं हिमालय के पास। 2024 से इंट्रोड्यूस हुआ है MBBS लगभग जो है वो 150 सीटों के साथ, ठीक है। तो कॉलेज जो है इसको एफिलिएशन जो है वो मिल गया है, ठीक है। मेड ओवर 25 एकड़ लैंड के साथ, ठीक है, 625 बेड का जो है वो हॉस्पिटल बनेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों, अगर इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, तो कैंपस फॉर कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रेजिडेंशियल एरियाज 25 एकड़ का होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, प्रिंसिपल ऑफिस एज पर नॉर्म्स रहेगा, स्टाफ रूम एज पर नॉर्म्स, कॉलेज काउंसिल रूम एज पर नॉर्म्स, ठीक है, एज पर नॉर्म्स सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। उसके बाद 650 स्टूडेंट रीडिंग रूम विथ सीटिंग, 650 स्टूडेंट, ठीक है। इसके साथ में स्टूडियो, डार्क रूम, सेंट्रल वर्कशॉप वगैरह रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटेल ऑफ बेड अवेलेबल एट द हॉस्पिटल, ठीक है। जनरल मेडिसिन का 150 रहेगा, पेडिस्ट्रिक्स का 75 रहेगा, या आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नर्सेस का भी यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने नर्स रहेंगी, ठीक है। 10% रिजर्व एट पर एग्जिस्टेंस रूल, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि ये मेडिकल के क्षेत्र में जो है वो बहुत पहले से है। हालांकि 2024 में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है ये कॉलेज, इसके पास BAMS नर्सिंग और जो भी डिप्लोमा के कोर्सेस हैं वो बहुत पहले से है। अगर एडमिशन प्रोसेस की हम बात करें, तो नॉर्मल है कि नीट आपको क्वालिफाई होना चाहिए 12th के साथ, ठीक है। 17 साल जो है वो आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। और काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं मिलना है। BCEC के थ्रू बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है वो काउंसलिंग करवाती है नीट के बेस पे। उस फॉर्म का नाम है UG मैक। UG मैक के थ्रू जो है आप फॉर्म फिलअप करेंगे, देन UG मैक के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। बहुत सारे ऐसे मार्केट में दलाल हैं, काउंसलर्स हैं, जो आपको डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच करेंगे, 1-2 लाख पैसे दे दो, मैं आपका डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा। तो बच्चों, आपको क्या करना है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना है। ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे भी काउंसलर्स हैं जो अनरिजर्व जनरल सीट के बजाय जो है आपका एडमिशन जो होगा NRI कोटा से करवा देंगे। NRI कोटा का जो फी होता है वो नॉर्मल से डबल हो जाता है, ठीक है। एडमिशन जो है मेडिकल कोर्सेज में काउंसलिंग के थ्रू मिलना है, इसलिए किसी भी काउंसलर, किसी भी मेडिकल जो भी एडमिशन करवाता हो सीट के लिए, आपको उनके झांसे में नहीं आना है, ठीक है। और किसी भी को भी काउंसलिंग के लिए आपको पैसा नहीं देना है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहे, हर एक अपडेट पर आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। और आपको ऑनलाइन कैसे करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है, पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर हम फी की बात करें, तो इस कॉलेज का फी जो है वो 75 से 85 लाख के बीच का पैकेज जो है वो रहने वाला है, ठीक है बच्चों। अगर इसकी कट ऑफ की हम बात करें, तो इसका कट ऑफ जो है वो आपको 150
के आसपास जो है वो रहने वाला है, ठीक है, 150 के आसपास एवव आपका मार्क्स है नीट में, ठीक है, तो आपको कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे अदर कैटेगरी के लिए। अगर यूआर और जनरल यूआर और ईडब्ल्यूएस है तो आपको 170 के आसपास जो है वो रहना पड़ेगा, कट ऑफ से ऊपर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई हैं तो आपका एडमिशन जो है इस कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन लेना है, किसी भी काउंसलर को 50,000 2 लाख 3 लाख देने की आपको जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल फी पर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमें जो है कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो है यहाँ पे इसका वेबसाइट बन गया है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट्स में आपको प्री क्लिनिकल, पड़ा क्लिनिकल, क्लिनिकल स्पेशल क्लिनिकल, उसके बाद स्पेशल स्पेशलिटी है, उसके बाद गवर्नमेंट अफिलिएशन की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी अफिलिएशन, ठीक है बच्चों, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन जो है उसको मिल गया है, देख सकते हैं, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है। इस जो एमबीबीएस कोर्स जो है वो 150 सीट के साथ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सेल बी वैलिड फॉर प्रोसेस एप्लीकेशन ईयर ऑफ 24-25 के लिए इसको एफिलिएशन जो है वो मिल गया है, ठीक है बच्चों। 150 सीट के साथ जो है 2024 में ये कॉलेज जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है। जो भी बच्चे बिहार के प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो दिया गया है। आप लोग पहले डाउट क्लियर करके, अपने सारे डाउट क्लियर करके उसके बाद ही हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराइए। बच्चों अभी क्या है कि मार्केट में बहुत तरीके का फ्रॉड चल रहा है, ठीक है, जब तक आप किसी काउंसलर को पैसा नहीं देते हैं तब तक आप बचे रहेंगे, जैसे ही किसी काउंसलर को पैसा देंगे आप फंस जाएंगे, ठीक है। एडमिशन आपको रैंक बेस, नंबर के बेस पे, मेरिट बेस पे ही होना है, ये मेडिकल कोर्स है, ठीक है, मेडिकल कोर्स में काउंसलिंग के बेस पे ही आपको कॉलेज मिलेगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो आपको एडमिशन के नाम पे, काउंसलिंग के नाम पे 50,000 1 लाख 2 लाख 3 लाख चार्ज करते हैं, ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है, ठीक है। आप खुद भी काउंसलिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, आप काउंसलिंग खुद कीजिए, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो मिनिमम फी, अफोर्डेबल और मिनिमम फी के साथ आप हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम जो है आपके बिहाफ में काउंसलिंग का सारा प्रोसेस, जिसमें कि आपको फॉर्म ऑनलाइन से लेकर के रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट चेक करना, अपग्रेडेशन, सारी चीज़ों का सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इस कॉलेज के बारे में मैं बहुत जल्द जो है वो कैंपस टूर भी लाऊंगा, ठीक है। मैं जब पटना जाता हूँ तो वहाँ से इस कॉलेज के बारे में मैं बात करके, वहाँ से फैकल्टी जो है, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं उनसे मैं बात करके एक बार ट्राई करूंगा कि इस कॉलेज का जो है वो कैंपस टूर जो है वो लाऊं और आप सबों के सामने रखूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में अभी तक दो प्राइवेट कॉलेजेस जो है टॉप माने जाते हैं, ठीक है, एक कटिहार हो गया, एक एमजीएम हो गया। बच्चों ये कॉलेजेस इसलिए टॉप माने जाते हैं क्योंकि इनका फी कम है, ठीक है। इससे और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, अगर नेताजी सुभाष पटना में देखे तो उसका पैकेज 88 लाख का है, लेकिन ये भी कॉलेज बहुत बढ़िया है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कट ऑफ इसीलिए इस कॉलेज का हाई रहता है क्योंकि उसका फी थोड़ा सा जो है वो कम है, फी के बेस पे। अगर आप साउथ के तरफ चले जाते हैं तो वहाँ कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो 550-600 के आसपास रहता है प्राइवेट कॉलेज का। अगर फी की बात करें तो 35 से 45 लाख का जो है पैकेज रहता है, ठीक है बच्चों। तो कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल है और व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, एमबीबीएस का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, टाइम टू टाइम आपको जो है नोटिफिकेशन अपडेट वो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।